अरे उसको क्या कहते हैं, ओ मेहंदी प्यार वाली आंखों में रचोगी। मुझे बताओ वो कैब का कौन से वाला सेट दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए? होमवर्क के लिए आपको कौन सा सेट दिया था, यही वाला दिया था या 8 नंबर का दिया था? फटाफट बताओ जल्दी से, वो कैब का कौन सा सेट दिया था आपको? नाइन वाला दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इम्प्यूडेंट बंदा बेशर्म होता है जिसको शर्म लिहाज ना हो। इसका सिनोनियम होता है इम्पर्टिनेंट या इंसोलेंट या चीकी या ऑडेशियस या ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब भी होता है बेशरम, ठीक है। जैसे ये लड़का ये उंगली यूं दिखा रहा है क्योंकि ये बेशरम है, ठीक है। मतलब हम दूसरों की शर्म नहीं करते, हम किसी की बात को नहीं मानते, अनादर करते हैं दूसरों का, और जब हम दूसरों का अनादर करते हैं तो यूं उंगली दिखाते हैं किसी को, ठीक है। तो द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, स्टूडेंट को पनिश किया गया फॉर हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर। कैसे व्यवहार के लिए? बेशर्म व्यवहार के लिए। तो वो बेशर्मी वाला व्यवहार था उसका, इसीलिए उस विद्यार्थी को पनिश किया गया। अब इसका सिनोनियम क्या होगा? शेमलेस, जिसको शेम ना हो वो बेशर्म होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन लिखना स्टार्ट करो फटाफट जल्दी से। लिंच मतलब होता है किल, लिंच होता है किल, भीड़ के द्वारा मार जाना। लिंच लॉ, मॉब लिंचिंग आपने सुनी होगी, जब भीड़ किसी को मार देती है तो उसे लिंच कर देती है, तो किसी को मारना। इनसेन होता है मैड, एक पागल आदमी, किसी पागल आदमी को कहते हैं इनसेन, पागल। और टॉर्पिड होता है लेजी, टॉर्पिड कौन होता है? लेजी, लेजी मतलब सुस्त। टॉर्पिड मींस, टॉर्पिड क्या हो जाएगा? लेजी, सुस्त। टॉर्पिड इज लेजी, सुस्त। अगर आप टॉर्पिड हैं तो आप लेजी हैं, सुस्त हैं। अगला है वैंक्विश, वैंक्विश वर्ब है, वैंक्विश का मतलब है किसी को हराना, विजयी होना, किसी को डिफीट करना, हराना। बीट समवन, अब बीट का मतलब यहां पीटना नहीं है, यहां बीट का मतलब है किसी को हराना, पुलवराइज करना, डिफीट करना किसी को। कनकर मतलब हराना, ट्राउंस मतलब भी हराना, और राउट मतलब भी बुरी तरीके से किसी को हराना। वी मस्ट वैंक्विश, हमें हराना चाहिए, अपने डर को हराना चाहिए, हमेशा अपने डर को हराने की कोशिश करो। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन में पहला वर्ड है प्रोबिटी, और प्रोबिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। प्रोबिटी का मतलब क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है भाई, प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। देखो प्रॉबिटी का मतलब क्या है बच्चा? ईमानदारी है। प्रॉबिटी का मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी। विजार्ड कौन होता है? मैजिशियन, जादूगर। MAGICIAN, जादूगर। फो कौन होता है? एनिमी, हमारा दुश्मन। पाकिस्तान इज आर चाइना इज आर फो। सब्जुगेट का मतलब यही होता है, किसी पर जीत हासिल कर लेना, किसी को जीत कर अपने कब्जे में ले लेना। ये क्या एग्जाम्पल है? वैंक्विश का मतलब है हराना। इंडियन मेंस हॉकी टीम वैंक्विश मलेशिया को 21 कॉमनवेल्थ गेम्स में हराया और सेमीफाइनल में अपना जगह बना ली। तो वैंक्विश का मतलब होता है किसी को हराना, ठीक है जी, किसी को बुरी तरीके से हराना। नेक्स्ट अगला है इवेंस, इवेंस का मतलब क्या होता है? इवेंस का मतलब होता है दर्शाना, इशारा करना, शो करना, अपनी क्वालिटीज को दिखाना, वर्ब है ये। रिवील, शो, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का भी यही मतलब होता है। इंडिकेट मतलब दर्शाना, शो करना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी के सामने कोई चीज दिखाना, दर्शाना। यू हैव नेवर इवेंस्ड,
एनी इंटरेस्ट, तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया इन दिस वर्क, इस काम में तुमने कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। इसका सिनोनियम देखो क्या होगा, कॉमरेड क्या होता है, फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त। कॉर्पुलेंट क्या होता है, मोटा आदमी, प्लम्पी। और डिस्क्लोज का मतलब होता है रिवील करना, दिखाना। तो यही इसका आंसर होगा सी, डिस्क्लोज करना, किसी बात को दूसरों को दिखाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्लोज करना, ठीक है। और एफिशिएनाडो कौन होता है, फैन, जैसे आप मोदी के फैन हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं किसी के, डिवोटी हो सकते हैं आप किसी के प्रति, है ना, जैसे आप सलमान खान के फैन हो सकते हैं, तो डिवोटी उसे कहते हैं। अब देखो ये ना एक वो ले रहा है मिरर, और मिरर में ना क्या कर रहा है, इवेंस कर रहा है चीजों को देखने की। जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से देखते हो, किसी चीज को बहुत क्लियरली, जब कोई चीज स्पष्ट रूप से देखते हो, तो आप इवेंस करते हो। तो ये इसे बहुत अच्छे से देख रहा है, क्लियर कर रहा है उस चीज को, स्पष्ट कर रहा है। नेक्स्ट, एंटोनियम्स। एंटोनियम का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है लाइट। लाइट मीन्स होता है लचीला, मुलायम, फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब जैसे ये कन्या है, ये देखो कैसे पैर इसने ऐसे ऐसे यू 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 यू, ओ माय गॉड, कितनी फ्लेक्सिबल है ये, है ना। तो लाइट बोलेंगे इसे, लचीला। लाइसोम, प्लाइंट, एजाइल, एजाइल भी फ्लेक्सिबल होता है। ग्रेसफुल, सपल, निम्बल, प्लायबल, ये सारे क्या होते हैं, लचीला। शी हैज लाइट बॉडी, उसकी बॉडी कैसी है, फ्लेक्सिबल है उसकी बॉडी, ठीक है। अब उल्टा चाहिए, ये तो इसकी बॉडी हो गई। कुछ ऐसे होते हैं जिनका हाथ तक भी नहीं मुड़ता, वो इतने जरा स्टिफ होते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, लचीले का उल्टा, हार्ड, कठोर। इंट्रेपिड कौन होता है, फियरलेस, निडर, जिसके अंदर कोई डर ना हो। हैपलेस कौन होता है, अनफॉर्चुनेट, ये आ रखा था भाई इस बार एनडीए में, पूछा हुआ था उसने, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अनलकी, अभागा, हिंदी में इसे कहते हैं अभागा, अभागा या अनलकी, जो लकी ना हो। और डर्थ क्या होती है, कमी, किसी चीज की कमी पड़ जाना, स्कार्सिटी, SCARCITY, स्कार्सिटी। डर्थ मतलब किसी चीज की कमी पड़ जाना। हाँ जी सर, मारकर मत चलाओ, केस कर देगी, करने दो इसको, केस क्या होगा, सक्सेसिव, क्या कह रहा है ये, सक्सेसिव, क्या सक्सेसिव का सिनोनियम क्या होगा, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव। अब अगर तूने कमेंट किया तो कान के नीचे लगाऊंगा, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, कंटिन्यूअस, कॉन्जिक्यूटिव। नेक्स्ट, एसिडस क्या होता है, एसिडस में कौन छुपा है, एस, एस मतलब गधा, गधा कैसा व्यक्ति होता है, गधा कैसा प्राणी होता है, मेहनती, तो मेहनती के लिए डिलीजेंट, मेटिकुलस, सेड्यूलस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, कंसाइंटस, पेनस्टेकिंग, ये सारे कैसे हैं, मेहनती। मिस्टर शर्मा इज एन एसिडस टीचर, कैसे टीचर है, मेहनती टीचर। आप देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कमर पे के पीछे क्या रख के ले जा रहे हैं इसका, तो बेचारे बहुत मेहनती हैं ये लोग, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, आलसी, इडल। इडल कैसा होता है, लेजी, ये सुस्त आदमी है, कुछ नहीं करता। सेरीन अभी बताया आपको, सेरीन क्या होता है, काम, शांत। और ब्लेमिश क्या होता है, फॉल्ट, ब्लेमिश होता है गलती, फॉल्ट, मिस्टेक, ब्लेमिश मीन्स फॉल्ट, गलती, मिस्टेक। नेक्स्ट,
अगला अगला वर्ड क्या है जी? अगला है जिनाइल। जिनाइल क्या होता है? काइंड, दयालु। जिनाइल इज काइंड। डेफर मतलब वर्ब होती है डेफर, पोस्टपोन, सस्पेंड, डिले या एडजर्न, स्थगित करना। बीमारी के कारण उसने मीटिंग को क्या कर दिया? डेफर, पोस्टपोन कर दिया। जैसे ये देखो, बारिश पड़ गई है। अब कई बार क्या होता है, मैदान में जब बारिश पड़ती है तो क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा, कई बार डेफर कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? ये तो हो गया डिले करना, तो उल्टा क्या होगा? जल्दबाजी करना, किसी काम में फुर्ती करना और तेज करना। अगला वर्ड है सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट। स्पेलिंग सही कर लेना, ई हट जाएगा यहां से। सॉलिसिट मीन्स रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना। बाइफ्रिकेट मतलब दो हिस्सों में तोड़ना, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है ना, तो डिवाइड इंटू टू। और गिम क्रैक, जिस चीज में क्रैक पड़ जाता है वो चीज गिम क्रैक हो जाती है, तो वो हो जाती है यूजलेस, दैट इज वर्थलेस। गिम क्रैक इज यूजलेस या वर्थलेस। एक दिल है, हो गया। नेक्स्ट, इधर आ जाओ अब जरा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला वन वर्ड क्या है भाई? पहला वन वर्ड है आपका अ पर्सन हु ईट्स टू मच, पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लुटन। कार्निवोर्स क्या खाता है? मीट खाता है, किसी का भी खा लेगा वो, ठीक है। ओबेस क्या होता है? प्लम्पी, PLUMPY, मोटा आदमी। कैनिबल क्या होता है? मीट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इंसान का मांस खाने वाला होता है। BEING, BEING, यानी कि आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वन हु ईट्स मीट ऑफ ह्यूमन फ्लैश, सॉरी वो ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान का जो मांस खाता है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ये होता है कैनिबल। और ये किसी का भी वो खा लेता है, कार्निवोर्स। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। अब देखो, मान लो इधर ये समुद्र है, इधर ये समुद्र है, इसको जोड़ने के लिए जो नैरो पीस ऑफ लैंड होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे पूछ रहा है, उसे कहते हैं स्ट्रेट। जैसे आपने देखा होगा इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने के लिए जो नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड होता है, ठीक है, उसे कहते हैं क्या? दैट इज स्थल डमरू, यानी कि स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट है वहां पर। स्टाई, ये एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिग, पिग कहाँ रहते हैं? स्टाई में। कैनल में कौन रहते हैं? डॉग्स। प्रीडेटर कौन होता है? वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, परजीवी जिसे कहते हैं, परजीवी, जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, जो भोजन के लिए निर्भर दूसरों पर रहता है उसे परजीवी कहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहता है। गौरव कुमार बेटा, नोटिफिकेशन कब आ रहा है? मुझे अभी नहीं पता कब आ रहा है, जब आएगा आ जाएगा। पढ़ने पे ध्यान लगा ले, इतना ध्यान पढ़ने पे लगा लेगा ना तो जब भी आएगा नोटिफिकेशन तो पेपर निकाल लेगा। वो कैब का टेस्ट भी लूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है, आने दे टाइम, सब लूंगा, सब होगा, परेशान मत हो। नेक्स्ट, अगला क्या है? गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जब कुछ लोग ही शासन करने लग जाएं, ऐसी सरकार तो उसे कहते हैं ओलिगार्की। अरिस्टोक्रेसी किसके द्वारा सरकार होती है? नोबल पीपल, सज्जन लोगों की सरकार, उसे अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऑटोक्रेसी का मतलब है बाय वन पर्सन, बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति की सरकार,
मोनार्की किसकी होती है? किंग, किसी राजा या रानी की सरकार। ऐसी चीज जिसको स्पर्श कर सकें, टच कर सकें या फील कर सकें, उसे क्या कहते हैं? पल्पेबल कहते हैं। सेफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ओपिनियन पोल्स। ओपिनियन पोल्स जो ये इलेक्शन से पहले पोल दिखाते हैं ना, उसे कहते हैं सेफोलॉजी। पोल्ट्री क्या होता है? स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में, दिस इज कॉल्ड पोल्ट्री, स्मॉल इन अमाउंट। पेंडेमिक क्या होता है सब? पेंडेमिक, पेंडेमिक उस डिजीज को कहते हैं जो चारों तरफ इफेक्ट करती है, तो चारों तरफ फैली हुई बीमारी, जैसे कोविड, अ वाइड स्प्रेड डिजीज, अ वाइड स्प्रेड डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन, ये तो आ तो गया, इसके ऑप्शन में होगा सेफोलॉजी कहीं। इलेक्शन का साइंटिफिक स्टडी, अध्ययन। ये हो गया, हाँ देखो ये रहा सेफोलॉजी, ये रहा, तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। पैथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी का पता लगाना, स्टडी ऑफ डिजीज। पैलेंटोलॉजी क्या होता है? पैलेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो अवशेष होते हैं ना, फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, तो उनका उनका अध्ययन होता है। और फिलोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नॉलेज, जब हो जाए थम्सअप मार देना। सर हैंड नोट्स ठीक है या पीडीएफ? देखो दोनों चीजें ठीक हैं, अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो पीडीएफ से पढ़ लो, और आप हैंड नोट्स बना सकते हो तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, वो भी बढ़िया है, दोनों बढ़िया है, वो आपके ऊपर है आप कौन से मेथड से पढ़ना चाहते हो। फीदर इन वंस कैप, कोई नई उपाधि हासिल करना, तो अ न्यू एडिशनल अचीवमेंट, सैड नहीं आएगा, अ न्यू एडिशनल अचीवमेंट, नई उपाधि हासिल करना। डोंकीज ईयर्स क्या होता है? एक लंबा समय। लीव नो स्टोन अनटर्न, हर संभव कोशिश करना, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर पॉसिबल, हर मेथड लगाना, हर पॉसिबल तरीका अपनाना किसी काम को पूरा करने के लिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 14, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई कमी ना छोड़ना, यानी कि हर संभव प्रयास करना, हर तरीके का एफर्ट डालना, कोई कसर ना छोड़ना। निप इन द बड, शुरुआत में ही किसी बीमारी को, किसी चीज को खत्म कर देना, टू स्टॉप एट द स्टार्ट। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी काम में बाधा डालना, क्या डालना?
बाधा डालना, तो क्या हो जाएगा? टू हिंडर, किसी काम को रोकना या किसी काम में रुकावट डालना। सर नवंबर के लास्ट तक सिलेबस हो जाएगा क्या? बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचर्स क्या होता है? लड़कियों को घूरना होता है, बर्ड वॉचर्स। नवंबर के लास्ट तक सिलेबस, हाँ लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो नवंबर के लास्ट के लिए 2 महीने पड़े हैं, क्यों टेंशन ले रहा? देयर और देयर में क्या डिफरेंस है? हाँ भाई बच्चा लोग आप बताओ, देयर और देयर में क्या डिफरेंस है? बच्चे का डाउट करते हैं फिर दूर हम लोग। देयर और देयर में क्या डिफरेंस है? TH ERE और TH EIR, इन दोनों देयर में क्या फर्क है? देख बेटे, जो ये TH ERE वाला होता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम करता है, ठीक है? ये एक तरीके से एडवर्ब होती है और डमी सब्जेक्ट भी होता है। और जो ये TH EIR होता है, ये हमेशा अपने पीछे क्या लेता है? नाउन, क्योंकि ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो, यूरोपियन से पहले क्या आ जाएगा? अ यूरोपियन, ये का साउंड आएगा। ही वर्कड हार्ड, नहीं तो वो फेल हो जाता। तो लेस्ट का पेयर ही किससे बनता है? शुड से बनता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ही ऑफन, अक्सर वो दिल्ली जाता है बिजनेस ट्रिप पे, इसका मतलब ये एक्शन कैसा है? उसका रेगुलर एक्शन है, और रेगुलर एक्शन के लिए टेंशन टेंस कौन सा होता है? ए, गोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट, आगे टेंस में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए। सर मोहित स्पैमर को ब्लॉक करो, बताओ भाई कौन सा है मोहित, इसको ब्लॉक करवाते हैं। मोहित को ब्लॉक करो जी, कौन सा ये बार बार स्पैम कर रहा है? आई सॉ अ, भेड़ियों का झुंड क्या होता है? पैक, भेड़ियों का झुंड होता है पैक। भेड़ों का समूह क्या होता है? शीप्स का समूह, शीप का फ्लॉक। हर्ड किसका होता है? एनिमल्स का, एनिमल्स का या एलिफेंट्स का, हाथियों का झुंड होता है। अब टू का पेयर किससे बनता है? टू से, तो आंसर हो जाएगा टू। ही इज टू डल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो इतना डल है कि समस्या को हल नहीं कर सकता। तो टू वाला पेयर बहुत पूछता है ये एग्जाम में, टू प्लस टू प्लस वी वन, तो टू का पेयर टू से। ओ मेहंदी प्यार वाली हाथों में लगाओगी, नेक्स्ट। ओ मेहंदी प्यार वाली हाथों में लगाओगी, दिल तोड़ के तुम हमारा यूं जाओगी। हाँ जी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ACQUISITION, एक्विजिशन। जब आप किसी चीज को एक्विजिशन में ले लेते हो तो अपने कब्जे में ले लेते हो, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। क्विंटसेंस, क्विंटसेंस, QUINTESSENCE, क्विंट सेंस, तो ये आंसर होगा क्विंटसेंस। क्विंटसेंस होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, बेहतरीन उदाहरण, परफेक्ट
एग्जाम्पल, किसी चीज का बेहतरीन उदाहरण। एक्विजिशन बना है एक्वायर से, और एक्वायर करना यानी कि अपने हाथों में ले लेना, किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना। एक्विजिशन करने का क्या मतलब बेटा? एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, ऑब्टेन करना किसी चीज को। हो गया, डन। नेक्स्ट, स्पेलिंग ऑफ स्कार्सिटी, कमी होना, किसी चीज की कमी होना। स्कार्सिटी की स्पेलिंग SCARCITY, एलिवेट की ALLEVITE, एलिवेट मतलब लेसन, कम होना, घटना, एलिवेट, दर्द कम होना। नेक्स्ट, अगला, मीसोगाइनस, महिलाओं से नफरत करने वाला। मीसोगाइनस, मीसो की स्पेलिंग में MISO, मीसो, फिर GY होना चाहिए, तो मीसोगाइनस, हेटर ऑफ वुमेन, महिलाओं से नफरत करने वाला। थोरिल की स्पेलिंग THORUGHLY, THORUGHLY, थोरोली मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, दिस इज कॉल्ड थोरोली। नेक्स्ट, अरे आज इसमें स्पेलिंग बहुत सारी थी इसका मतलब। अगला है सेपरेट की स्पेलिंग SEPARATE, सेपरेट। बेनिवोलेंस में BENEVOLENCE, बेनिवोलेंस का मतलब होता है चैरिटी, बेनिवोलेंस होता है उदारता, हिंदी में से कहते हैं उदारता और इंग्लिश में से कहते हैं चैरिटी। सर कभी टाइम निकाल कर हमारे राजस्थानी सॉन्ग सुनना, मजा आ जाएगा। यार अच्छे तो लगते हैं पर समझ में नहीं आते, राजस्थानी सॉन्ग अच्छे लगते हैं बट वो समझ में नहीं आते, बस प्रॉब्लम वही है। चलो भाई PQRS देखो फटाफट जल्दी से। पहला PQRS, नो पार्ट ऑफ दिस बुक, इस किताब का कोई भी भाग। मे बी, अब मे बी क्या है, मॉडल के पीछे वो यानी कि पैसिव वॉइस जा रहा है कि इस किताब का कोई भी हिस्सा, तो वर्ब चाहिए और वर्ब क्या है इसमें, क्यू, क्यू से स्टार्ट होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय। कोई भी हिस्सा इस किताब का ना तो रिप्रोड्यूस किया जा सकता दोबारा से, ना स्टोर किया जा सकता, ना ट्रांसमिट किया जा सकता, ठीक है, इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, किसी भी माध्यम से, विदाउट द रिटन परमिशन, परमिशन किसकी, ऑफ द कॉपीराइट ऑनर एंड द पब्लिशर ऑफ दिस बुक, इस किताब के पब्लिशर की, तो बी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा बॉय। 31, 31 में क्या होगा, 31 में द अनफॉर्चुनेट पर्सन, व्यक्ति, हु, तो पर्सन के लिए हम लोग हु लगाएंगे, तो हु किससे स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट हो जाएगा, तो आर से आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 इसका, 31 का सी, हु इज अनएम्प्लॉयड, जो कि बेरोजगार है, इज नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ पिटी, ना केवल वो ऑब्जेक्ट है किसका, एक तरीके से उसे सहानुभूति देने का, बट ही इज ऑल्सो द विक्टिम, लेकिन वो पीड़ित होता है एक तरीके से, विक्टिम किस चीज का, ऑफ सोशल कंटेम्प्ट, यानी कि उसे सामाजिक अपमान भी झेलना पड़ता है और सोसाइटी का खतरा भी झेलना पड़ता है। नेक्स्ट, 32, द स्टेटमेंट,
वो स्टेटमेंट जो स्पीकर ने बोला है, तो द स्टेटमेंट व्हाट द स्पीकर हैज सेड, जो स्पीकर ने स्टेटमेंट अभी बोला है, तो इसका आंसर आर से देखना कौन सा है, आर से नहीं एस से स्टार्ट हो रहा है द स्टेटमेंट। अच्छा, द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस, एक बार स्टेटमेंट किया जाएगा। देयरफोर, अच्छा स्टेटमेंट मतलब एक ही बार बोलूंगा मैं, इसीलिए तुम्हें ध्यान से सुनना है। तो एस के बाद आएगा पी, सॉरी द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस, एक बार स्टेटमेंट किया जाएगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। देयरफोर यू मस्ट लिसन केयरफुली नॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर, अच्छा ठीक अब समझ में आया। क्वेश्चन ये कुछ ऐसा है दैट द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस, स्टेटमेंट एक बार किया जाएगा, एस देयरफोर इसीलिए, व्हाट यू मस्ट लिसन केयरफुली, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, क्या समझने के लिए, व्हाट द स्पीकर हैज सेड, कि स्पीकर ने क्या बोला है। तो एस के बाद पी, और पी के बाद क्या हो जाएगा, एस पी आर क्यू। अब देखना एस पी आर क्यू कौन से में है, सी, तो एस पी आर क्यू सी इसका आंसर हो जाएगा, एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू। नेक्स्ट, इनॉग्रेटिंग द भारत भवन, भारत भवन को इनॉग्रेट करते हुए, उसका उद्घाटन करते हुए उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, तो द देन प्राइम मिनिस्टर मतलब उस समय के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इंदिरा गांधी, तो पी से स्टार्ट होगा, और पी से स्टार्ट होगा, एक सेकंड, इनॉग्रेटिंग द भारत भवन, नहीं 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 नहीं, भारत भवन को इनॉग्रेट किया कहां पर, इन भोपाल ऑन फ्राइडे इतनी तारीख को करते हुए उस समय की प्राइम मिनिस्टर, तो आर के बाद पी आएगा, आर के बाद पी, सेड दैट, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, इट हैड बीन हर लॉन्ग चेरिश डिजायर, कि उनकी लंबी इच्छा थी, टू कम अप इन ऑल स्टेट्स, कि सभी स्टेट में इसको बनाया जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर के बाद पी, बी इसका आंसर है, फाइनल आंसर है इसका बी, 33 का फाइनल आंसर होगा बॉय, आर से स्टार्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 34, द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च, लॉन्च करेगा क्या, लॉन्च करेगा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव, किस कंज्यूमर को बचाया जा सके, यानी कि क्यू से स्टार्ट होगा, टू एजुकेट पीपल अबाउट देयर राइट्स, राइट्स किसके खिलाफ, क्यू के बाद पी, किसके खिलाफ, एंड टू वॉर्न ट्रेडर्स अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट मींस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव, क्यू के बाद पी, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 34 का आंसर सी हो गए भाई, आज काफी सारे क्वेश्चंस थे, टाइम भी लग गया, कोई बात नहीं, खैर कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई, प्रेपोजिशन का टेस्ट भी हो गया, ये भी हो गया, अब नई पीडीएफ डलेगी आपकी, 36 हो गई, ओ भाई साहब, एक पीडीएफ अभी डलेगी वोकैबुलरी नंबर 10 की, उसको घर से वो कर लेना नोट, या जो भी फोटोकॉपी आप करवाते हो, इसके बाद दूसरी गिरेगी जो वर्ब में बचा हुआ टॉपिक है उसकी गिरेगी, तो दो पीडीएफ आप लोगों की गिरेंगी, ठीक है, एक तो अभी गिर जाएगी वो क्या वाली, वर्ब वाली में टाइम लग सकता है, बट वो भी गिर जाएगी, ठीक है। और क्लास मैंने टेंस की कब बोली आपको, क्योंकि इस टाइम पे अपना वो चलता रहेगा वर्ब वाला, जो प्रैक्टिस वगैरह जो कुछ भी बचा है, और रात को 8:30 बजे वेडनेसडे को लूंगा, 9:30 बजे टेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे वहां पर, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।